नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी और आपका इस चैनल में स्वागत है। आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों के लिए बड़ी खुशखबरी, सामाजिक योजनाओं में भी मिलेगी जगह। ये नई खबर आई है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उन्हें भी सामाजिक योजनाओं में जगह मिलेगी। ये जागरण समाचार पत्र के द्वारा खबर आई है कि गरीब स्वर्णों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने नए सिरे से मंथन शुरू किया है। इसके तहत सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं में उन्हें जगह दी जा सकती है। फिलहाल जिन योजनाओं को लेकर चर्चा शुरू हुई है उसमें उच्च शिक्षा और कौशल विकास को लेकर चलाई जा रही योजनाएं हैं। इन योजनाओं के तहत मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति या वित्तीय मदद दी जाती है। अभी इन योजनाओं में OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग और EBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को ही लाभ दिया जाता है। गरीब स्वर्णों को हालांकि इससे पहले सरकार एक बड़ी खुशखबरी दे सकती है, जिसके तहत उन्हें आरक्षण के तहत उम्र में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल इस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। पिछले दिनों यह मुद्दा संसद के बजट सत्र में भी उठा था। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं को विस्तार देकर EBC की जगह EWS को शामिल किया जा सकता है। EBC के दायरे में अभी अधिकतम 2.5 साल तक की सालाना आय वर्ग के लोग ही आते हैं, जबकि EBS कैटेगरी के तहत सामाजिक वर्ग को मिले आरक्षण के दायरे में 8 लाख सालाना आय वर्ग को रखा जाता है। यही वजह है कि इसके दायरे को बढ़ाने की मंजूरी का भी प्रस्ताव है। फिलहाल अभी EBS को जिन योजनाओं में जगह दी गई है उसमें डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना, अम्बेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, कौशल विकास के लिए सहायता जैसी योजनाएं शामिल। शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना के तहत विदेश में उच्च शिक्षा के लिए लिए गए बैंक से ऋण का ब्याज सरकार अदा करती है। अगर यह खबर आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को इस खबर को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में इसी तरह की आपको जानकारी मिलेगी।